सेलिब्रिटीज को लेकर खबरें आती ही रहती है। बॉलीवुड में डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण को लेकर भी खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। सारी खबरें हम आपको देना चाहेंगे डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण को लेकर। दरअसल पूरे दुनिया भर में इस वक्त चिंता का विषय बना हुआ है चाइना से फैला कोरोना वायरस, जिसे लेकर दीपिका पादुकोण पर आ गई है बड़ी आफत। किस तरह से आई है आफत, होंगे आपके जहन में सवाल इसे लेकर, तो आपको देना चाहेंगे हम इसका पूरा जवाब इसे लेकर, जिसमें आपको शायद हैरानी होगी जानकर। लेकिन यहां पर दीपिका पादुकोण ने पेरिस में अपने एक रैंप वॉक को कैंसिल कर दिया है। फैशन शो में नहीं जाएंगी दीपिका पादुकोण, क्योंकि कोरोना वायरस का कहर उनके दिल में डर बनकर बैठ चुका है और इसी कारण से वो ये फैसला ले चुकी हैं कि वो नहीं करेंगी वॉक। और करोड़ों लाखों का नुकसान भी इसके कारण शो और दीपिका दोनों को हो रहा है। जी हाँ, एलवी के लिए करने वाली थी रैंप वॉक दीपिका पादुकोण पेरिस में, लेकिन वो नहीं जा रही हैं पेरिस और कैंसिल कर दिया है उन्होंने कोरोना वायरस के कारण ये अपना आने वाला शो, जिसके लिए फैशन हाउस लुई विटॉन ने पेरिस फैशन वीक में शामिल होने के लिए जो दीपिका को इनविटेशन भेजा, उससे वो हो गई हैं बाहर। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले ने वाकई में तमाम सेलिब्रिटीज़ को चिंता करने के लिए मजबूर किया है। एक खबरें ये भी कह रही हैं कि दीपिका पादुकोण पेरिस फैशन वीक के तहत लुई विटॉन के फैशन वीक 2020 शो में भाग लेने के लिए फ्रांस जाने वाली थी, लेकिन अब वो नहीं जा रही हैं क्योंकि स्थिति बहुत ही ज्यादा बुरी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।